जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी ने सड़कों को खुदवाकर सड़कों की गुणवत्ता को चेक कराया। प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव और जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह द्वारा स्वच्छता एवं सेवा सप्ताह अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वृद्धजन आश्रम में जिला अस्पताल में संचालित एनसीडी सेल की टीम ने वृद्धजनों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गैंग का सक्रिय सदस्य 1,00,000 का इनामी सोहन कोल को दबोचा। सदर एसडीएम इंदु प्रकाश सिंह का स्थानांतरण गाजियाबाद हो जाने के बाद तहसील सभागार में राजस्व विभाग की ओर से विदाई समारोह का आयोजन किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पालिका के अधिकारियों तथा व्यापारियों ने स्वच्छता पर संगोष्ठी, शपथ ग्रहण, स्वच्छता संदेश यात्रा और पॉलिथीन मुक्त चित्रकूट बनाने को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए। जिला अस्पताल पन्ना को उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले कर्मचारी सलीम खान हेल्थ डिपार्टमेंट अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए। जिला पन्ना में पति ने रक्त देकर बचाई पत्नी की जान। बच्चों एवं अभिभावकों के बीच विधिक साक्षरता शिविर संपन्न। टीकमगढ़ में आकर्षक वेशभूषा और गोपिकाओं की तरह सज संवर कर गरबा करने की तैयारी में नगर की अनेक महिलाएं जुटी। भारी बारिश के चलते जिले में 2 दर्जन से अधिक मकान गिरे। आबकारी बाउंड्री के अंदर जड़ से पेड़ उखड़ा, बड़ा हादसा होते होते बचा। छात्राओं के बीच जाकर पुलिस टीम ने बताया घर बैठे कैसे दर्ज करा सकते हैं FIR। घटने लगा यमुना का जल स्तर, लोगों ने ली राहत की सांस। अधिकारियों की 60 घाट से मानक के विपरीत बनाई जा रही है सीधी सड़क, ग्रामीणों ने किया विरोध। विधानसभा खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी जनता की समस्याओं को सुनने व निराकरण करने के लिए जनता के विधायक जनता के बीच शिविर में पहुंचे। सुनी समस्याएं।